मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस में एक अलग ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस से जुड़े मुस्लिम नेता कांग्रेस के हिंदुत्व के, या यूं कहा जाए सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे की राह पर चलने से खासे नाराज हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिन कांग्रेस नेताओं को हिंदुत्व पसंद है वो अपने घर में पूजा पाठ करवाएं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के दफ्तर में ये पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और ये भी कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों से दूर हो रही है, और ये भी मांग की है, डिमांड कर दी है कि यदि कांग्रेस मुस्लिमों से दूर नहीं हो रही है तो वो इस बात को साबित करे और इस चुनाव में कम से कम 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। देखिए ये रिपोर्ट। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश पीसीसी दफ्तर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन था। दरअसल एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि छिंदवाड़ा में हनुमान जी की प्रतिमा कमलनाथ ने नहीं लगवाई बल्कि वो पहले से लगी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने शिवराज की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ कराया, लेकिन इसे लेकर पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी ने आपत्ति ली। एक तरह से उन्हें कांग्रेस नेताओं का हिंदुत्व का एजेंडा रास नहीं आ रहा। कुरैशी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा करवा रहे थे। इससे पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा भी करवा चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई कथा कराए, कोई आयोजन कराए, उसमें नो वाटिंग एन ऑब्जेक्ट। व्यक्तिगत रूप से आदमी को किसी को मानना ये कथा कराना उसका अधिकार अपना है, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में होता है, वहाँ स्थापना होती है मूर्ति की, वहाँ जय श्री राम को नारे लगते हैं, ये गप से गाँव में हिंदू हैं, उसमें जा सकते। कुरैशी ये बयान दूसरी बार दे रहे हैं। आखिरकार कुरैशी ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल मुस्लिम वर्ग अब तक कांग्रेस को ही सपोर्ट करता आया है, बीजेपी उसके एजेंडे में रहा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी अब हिंदुत्व का चूल्हा ओढ़ लिया तो मुस्लिम नेताओं को लग रहा है कि कहीं न कहीं वो साइडलाइन किए जा रहे हैं। कुरैशी के बयानों को इसी आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता कहते हैं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस के नेता और पीसीसी दफ्तर में भी इफ्तारी हो रही है। यहाँ नवरात्रि की पूजा होती है, माता की गणेश जी की पूजा होती है, और जो होता है वो होता है। दरअसल कांग्रेस ने 2018 के बाद से ही अपनी रणनीति बदल दी है। कांग्रेस अब हिंदुओं से जुड़े मुद्दे उठाना चाहती है, वो भी ज्यादा से ज्यादा। 2018 में सत्ता में आने के बाद कमलनाथ ने गौशालाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद राम वनगमन पथ बनाने का ऐलान किया था। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया। सावन के महीने में कमलनाथ भगवा चोला ओढ़े नजर आए। मां नर्मदा के संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा सेना बना दी। अब ये सभी कदम बताते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में मुस्लिम वर्ग से आने वाले नेताओं को लग रहा है कि चुनाव में उन्हें टिकट देने में भी आनाकानी की जाएगी, इसलिए 15 मुस्लिम नेताओं को टिकट देने की मांग भी उठा दी गई है। हालांकि अब तक के चुनाव देखें तो कांग्रेस ने मुस्लिम वर्ग से 2-3 नेताओं को ही प्रत्याशी बनाया है। एक संभावना ये भी है कि क्या ये पूरी कवायद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की जमीन तैयार करने की तो नहीं है। अब अजीज कुरैशी 15 टिकट मांग रहे हैं। उनकी मांग है कि 15 मुस्लिमों को टिकट दें, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही मुस्लिमों को टिकट देने से परहेज करती रही हैं। पिछले 20 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 20 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 7 तो बीजेपी ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। आपको आंकड़े भी बता देते हैं। 2003 का चुनाव कांग्रेस ने भोपाल उत्तर से आरिफ अकील को टिकट दिया था। अकील चुनाव जीते, बीजेपी ने एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया। 2008 का चुनाव कांग्रेस ने भोपाल उत्तर से आरिफ अकील और भोपाल मध्य से नासिर इस्लाम को टिकट दिया। आरिफ अकील चुनाव जीत गए और नासिर चुनाव हार गए। बीजेपी ने एक बार फिर किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया।
इसके बाद बात करते हैं हम 2013 की। 2013 का चुनाव आया, कांग्रेस ने भोपाल उत्तर से आरिफ अकील को टिकट दिया, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को उम्मीदवार बनाया। आरिफ अकील फिर जीत गए और आरिफ मसूद हार गए। बीजेपी ने आरिफ बेग को भोपाल उत्तर से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में बेग चुनाव नहीं जीत पाए थे। और 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने भोपाल उत्तर से आरिफ अकील और भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को टिकट दिया, दोनों ही चुनाव जीत गए। बीजेपी ने फातिमा रसूल सिद्दीकी को भोपाल उत्तर से उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव हार गई। तो कुल मिला के ये वो रहा है पूरा आंकड़ा आपने देखा।